दलित ने उसके घड़े को हाथ लगाया, इतना मारा कि 9 साल के उस बच्चे की जान चली गई। क्या ये शर्म की बात नहीं है? दिल दुखता है। अभी मार्च के महीने में पाली के अंदर राजस्थान की ही घटना है। एक खूबसूरत नौजवान जितेंद्र मेघवाल, वो कोविड हेल्थ वर्कर था, मूछे रखता था और मूछ पहनाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालता था। तो एक व्यक्ति इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा कि तूने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की, जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, ये दलित जितेंद्र मेघवाल मूछे रखता है, मूछ पहनाता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूछ पहनाना, सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। ये तो शर्म की बात है। इससे भारत गौरवान्वित होगा या शर्मसार होगा? इससे भारत शर्मसार होगा। कैसे मना लूं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, जहां आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, जबरन आधी रात तो उनका सब जला दिया जाता है, और हम जब आवाज बुलंद करते हैं जुल्म के खिलाफ तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं, पुलिस से गोलियां चलवाई जाती हैं। ये कैसा आजाद भारत है? दुख होता है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके भारत से बौद्धमय भारत को खत्म किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, बौद्ध साहित्य जलाया, बौद्ध शिलालेख तोड़े, बौद्ध मठों को निस्तनाबूद किया, और फिर से भारत में वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, छुआछूत पर आधारित, जातिवाद पर आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। उसके बाद से लगातार दुनिया के सामने भारत लगातार शर्मसार होता रहा। और वो घटनाएं जो सोशल मीडिया पर या न्यूज में आती हैं, उससे दिल दुखता है, दिल रोता है। लेकिन जरा सोच के देखो, जो घटनाएं सोशल मीडिया पर नहीं हैं, जिनको अखबार भी और मेनस्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हो सकता है हमारे वो सामने ना आती हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दिल बेहद दुखी है। सब लोग जानते हैं कि भारत एक समय विश्व गुरु था। एक समय था जब 7 अलग अलग देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पूरा भारत सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्धमय था, लेके म्यांमार से बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 7 देशों को मिलाकर कभी भारत एक था, बौद्धमय भारत था, तब भारत विश्व गुरु था। आज हर 50 किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, ये विविधताओं का देश है। इस विविधताओं के भरे देश को एकजुट करना इतना आसान नहीं था। जहां हजारों जातियां हों, अनेकों धर्म हों, अनेकों संस्कृतियां हों, और आजादी के टाइम पर जहां 565 रियासतें हों, ऐसे भारत को एकजुट करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सबको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें 565 रियासतों का भी समावेश किया, सभी जाति धर्मों का, संस्कृतियों का भी समावेश किया, और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जिसने पूरे भारत को आज भी बांध के रखा हुआ है।
कुछ लोग हैं जो लगातार जाति के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं। मैं देख रहा हूं आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, पूरा समाज अपराधी को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलाने के लिए आंदोलन करता है और उस अपराधी की जाति के लोग उस अपराधी के फेवर में महापंचायत करते हैं। यह कैसा भारत है? हाथरस की बेटी की हत्या के बाद जब धरने प्रदर्शन हुए तो हत्यारों के फेवर में उसकी जाति के लोगों ने महापंचायत की, और यही बात इंदर मेघवाल की हत्या पर भी अभी हुई। वहां पर गांव के दबंग लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर महापंचायत की उस टीचर के फेवर में जिसने इंदर मेघवाल को घड़े छुलेने मात्र पे हत्या कर दी। ये कैसा भारत है? लोग धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं और जैसे ही जेल से छुटकर आते हैं उनको माला पहनाकर एक ऐसी पार्टी के लोग जिसकी जो आज केंद्र में जिसकी सरकार है वो हत्या करने वालों को माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। ये शर्म की बात है, और उसमें केंद्र सरकार का मंत्री माला पहनाकर सम्मान कर रहा है, इससे तो और भी ज्यादा शर्म की बात है। पूरे देश का मस्तक शर्म से नीचे झुक जाता है। अभी बिल्किस बानो केस में जिन जिन लोगों ने रेप करके उस बच्चे की हत्या कर दी, गुजरात की सरकार ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन रेपिस्ट और हत्यारों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। ये कैसा भारत है? ऐसा भारत बनाने का सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। ऐसे भारत बनाने का सपना तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। इससे हमारा मस्तक सर्प से झुक जाता है, दुख होता है, और तब दुख और ज्यादा बढ़ जाता है जब राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। कहां जा रहा है देश, किस दिशा में जा रहा है? जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 5 दिसंबर 1956 की रात याद आ जाती है, जब 5 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बड़े परेशान और निराश थे। उन्होंने नानक चंद रत्तू से कहा कि ये रत्तू, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों से सोया नहीं हूं, मन बहुत दुखी है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जी भर के सो लूं, लेकिन रत्तू मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा, पता नहीं मैं कल जिंदा रहूं ना रहूं। मैंने इस अपने समाज को 3,500 साल की गुलामी से बाहर निकालने के लिए पूरा जीवन बहुत लंबा संघर्ष किया है, बड़ी मुसीबतें झेलने के बाद मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया, लेकिन मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। रत्तू, तू मेरे समाज के लोगों को कहना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट झेलते हुए बड़े विद्रोह के बीच सर निकालकर अपने लोगों की 3,500 साल की गुलामी तोड़कर इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं, मेरे बाद मेरे लोग कम से कम इस कारवां को कुछ आगे लेकर जाएं, और उनसे कहना अगर वो आगे भी न ले जा पाए तो कम से कम इस कारवां को यही छोड़ देना, इसको पीछे न जाने देना। ये बात कहने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रत्तू से कहा, रत्तू बहुत देर हो गई, अब ऐसा करो तुम जाओ। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के पैर बिस्तर के ऊपर किए, उनके सिरहाने पर गद्दा रखा, तकिया रखा, उनका सर उस पर रखकर नानक चंद रत्तू ने विदाई ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, जा चुके थे मैं छोड़ के,
और हमने संकल्प करना है। ये लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यहां तक लेकर आए, इसको मधुरा नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। कुर्बानी अगर जान की भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। संपत्ति क्या चीज है, परिवार और बच्चे और अपने आप को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो करेंगे, या मंत्री की कुर्सी कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूं कि साथियों, व्यक्तियों को मजबूत मत करो, आप विचारधारा को मजबूत करो। जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति की हत्या हो सकती है, व्यक्ति बिक सकता है, व्यक्ति गद्दार साबित हो सकता है, व्यक्ति पूरे मिशन को डुबा सकता है। इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप व्यक्ति को मजबूत मत करो, आप राजेंद्र गौतम को मजबूत मत करो, आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करो। जब विचारधारा मजबूत होगी तो पूरा समाज मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा। साथियों, इस तरह के जुल्म को देखकर रातों को नींद नहीं आती। अब मैं कैसे कहूं आपको, अयकायक रोना आ जाता है, दिल दुखता है। जो इंसान होते हैं उनके अंदर दिल होता है, और जिनके सीने में दिल होता है वो दिल धड़कता है। जिसके सीने में दिल ही नहीं है उसका दिल क्या धड़केगा, उसे किसी की इज्जत के लूटने से दर्द नहीं होगा, उसकी किसी बेकसूर की हत्या पे दर्द नहीं होगा। लेकिन जिसके सीने में दिल है उसका दिल धड़केगा भी, और उसका दिल संघर्ष के लिए तैयार भी होगा। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं लगातार पूरे देश के अंदर जा रहा हूं, दुनिया के अंदर अपने जितने भी लोग बसे हुए हैं वो मिशन जय भीम के साथ, इस पूरी विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं। हमने संकल्प किया है हम भारत को फिर से बौद्धमय बनाएंगे, हम भारत को फिर से बौद्धमय बनाएंगे, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, सीन, करुणा। बुद्ध का धम्म शक्ति से नहीं फैला है, बुद्ध का धम्म जबरदस्ती से नहीं फैलाया, बुद्ध का धम्म लालच से भी नहीं फैला है, बुद्ध का धम्म अपनी विचारधारा से फैला है।